वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ पटना से किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। इस कार्यक्रम के मौके पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई मंत्रीगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम को वेबकास्टिंग के माध्यम से लाइव कार्यक्रम में जिला परिषद के सभागार से लोग शामिल हुए। यह कार्यक्रम जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी, जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता झा सहित कई लोग इसमें मौजूद थे। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत बिहार के सभी गांव के सभी वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जाएगा। प्रति वार्ड में 10 सोलर लाइट का अधिष्ठापन किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक स्थलों से लेकर धार्मिक स्थलों, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर पंचायत सरकार भवन पर यह सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन होगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट कार्यक्रम के शुभारम्भ के मौके पर मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कई बातें कही। यह कार्यक्रम जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर तथा पंचायत स्तर पर भी जोड़े गए थे वेबकास्टिंग के माध्यम से, जहां मुखिया, उप मुखिया के साथ ही पंचायत कर्मी भी मौजूद थे। किस तरह से हम लोगों ने तो सब जगह बिजली पहुंचा दिया, और जब सब जगह बिजली पहुंचा दिया, गांव-गांव में सबके घर तक बिजली पहुंचा दिया, और जिसके बारे में आपको बता दिया गया कि हर घर नल का जल पहुंचा दिया गया, तो एक एक काम जो कर दिया गया है, पक्की गली नाली का निर्माण कर दिया गया, शौचालय का निर्माण कर दिया गया, स्कूलों के व्यवस्था का सारा काम किया गया है एक एक चीज के लिए, तो हर चीज के लिए जो काम किया गया है, अब जो कुछ भी शुरू से ही तो इसके बारे में जो देखते रहे हैं, लोगों की बात सुनते रहे हैं, और एक बात आई कि जब भाई अब सबको बिजली पहुंचा दिए हैं, लेकिन बिजली पहुंचा दिए हैं तो रात में भी बिजली जलाते रहेंगे, तो वही एक बात आ गई कि एक जो सोलर स्ट्रीट लाइट अगर रात में लग हो जाते रहेंगे, और बिहार का उत्थान हो रहा है जितना तेजी से हम लोगों ने बढ़ाया, कहीं से कुछ आया है जी? अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता बिहार को, सब गांव के लोग जरा समझ लीजिए, काहे हम विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे? इसलिए ना मांग रहे थे विशेष राज्य का दर्जा, कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए बिहार को तो कितना ज्यादा होता, कितना ज्यादा फायदा होता, आज हम कितना ज्यादा और डेवलप कर जाते। और जरा बताइए कि जो भी काम बिहार में किया गया, महिलाओं के उत्थान के लिए बोलिए, गरीब गुरबे तबके के उत्थान के लिए, सबके उत्थान के लिए, सभी लोगों के उत्थान के लिए जो हम लोगों ने काम किया, तो एक एक काम तो हम लोग यहां पर करते ही रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि 7-2 के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना का आज शुभारंभ किया जा रहा है, और बड़ी खुशी की बात है, और मैं बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस कार्यक्रम में आने में, और इसका मकसद है कि सभी गांव के वार्ड में, पंचायतों में जो अंधेरा, जो लोगों के जीवन में जो अंधेरापन है, उसको उजाला में तब्दील करना, उनके जीवन में प्रकाश डालना, और किसी के जीवन में अगर अंधेरा हो और उसके जीवन में अगर प्रकाश डालने का काम करते हैं, तो इससे बड़ा काम कोई और नहीं हो सकता। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, चाहे पक्की सड़क बनाना हो, गांव तक संपर्क जोड़ना हो, टोला तक संपर्क जोड़ना हो, हर घर लोगों को जल जो है नल से मिले, उसकी व्यवस्था की जा रही है। हम लोगों का प्रयास है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कि सबको दवा मिले, लोग शहरों के अलावा इलाज में शहर आते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि उनको जिले तक ही हम लोग रोकने का काम करें, ऐसी स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करें, अस्पतालों की व्यवस्था करें, लोगों को अच्छे छात्रों के जीवन में अच्छे प्रकाश के लिए उनको शिक्षा प्रदान करें, तो चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, अब तो कमाई रोजगार की भी बात अगर आ रही है तो नौकरी की भी देने की बात हम लोग कर रहे हैं, और वो भी होने जा रहा, तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार ये नई महागठबंधन की सरकार है,
और इससे लोगों में एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। जो सोलर स्ट्रीट लाइट का मुख्यमंत्री द्वारा आज घोषणा किया गया है, बहुत ही अच्छा योजना है हमारे गांव पंचायत के लिए। मुख्यमंत्री जी ने ये सराहनीय कदम उठाए हैं और बहुत ही लाभदायक आने वाले दिन में होगा, क्योंकि हर घर बिजली का ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था उतना रहता ही नहीं है। सोलर स्ट्रीट लाइट से हमें लगता है कि जो भी कार्यक्रम है हमारे ग्रामीण क्षेत्र का अंधकार है दूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा पूरे बिहार में सोलर लाइट का जो पंचायत के द्वारा लगाया जाएगा उसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ किए, जिसमें हमारे जितने भी पंचायती राज के जिला स्तर तक जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए सहयोग करने के लिए अपील की और शुभकामना दिए, जो आप लोग हर वर्ग हर समुदाय हर विकास के हर क्षेत्र में आप लोग सहयोग करें और जिसकी आवश्यकता नहीं होगी हम लोग आपका समस्या का समाधान। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। कृषि मंत्री बिहार सरकार सुधाकर सिंह के कर कमलों के द्वारा संयुक्त कृषि भवन बहादुरपुर के परिसर में आयोजित किसान मेला का फीताकार्ड का उद्घाटन किया गया। किसान संगोष्ठी एवं किसान पाठशाला का विक्रम सा फीताकार्ड का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजीव रौशन, जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी, उप विकास आयुक्त अमृता बैंस, सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, बामेती के निर्देशक डॉक्टर अभांशु कुमार जैन, संयुक्त कृषि निदेशक उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला कृषि पदाधिकारी संजय सिंह एवं कृषि वैज्ञानिक उपस्थित थे। इन अवसरों पर किसानों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग बिहार सरकार लगातार अपने नए अनुसंधान एवं नए प्रयोग कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सूबे के कृषि में प्रयोग कर रही है। उन्होंने किसानों को कहा कि आप ऐसे योद्धा हैं कि बिना अवकाश के लगातार सभी मौसमों में कृषि कार्य में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपके इस परिश्रम को किसी पुरस्कार से नहीं आंका जा सकता, हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। कृषि नीति बनाने पहले आपके सुझाव एवं आपकी समस्या पर विचार किया जाएगा। इसके पूर्व माननीय मंत्री ने किसान मेला में लगे विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर वहां प्रदर्शित कृषि यंत्रों, जलवायु अनुकूल बीजों, मखाना प्रसंस्करण सहित सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर गहन जानकारी प्राप्त की। किसान मेला में किसान राम दयाल राय को एक हेक्टेयर में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन के लिए किसान गौरव पुरस्कार एवं अलीनगर के निर्भय यादव को किसान पुरस्कार से नवाजा गया। खेती कैसे लाभकारी हो, इसी काम के लिए हम लोग मेला आयोजित करते हैं। इसमें सभी लोग आए भी हैं, कई नई तकनीक का प्रदर्शन भी करते हैं और किसानों को हम क्या मदद देते हैं यह भी हम अपनी बात के प्रचार करते हैं। इसी कार्य के लिए हम मेला है, सब कुछ तो फायदा होगा ही। अब ये अध्ययन का विषय है कि हम जितना अनुमान लगाते हैं उतना फायदा पहुँचा कि नहीं, यह एक विषय है जिस पर हम लगातार मंथन और प्रयास कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा की एक टीम ने कृषि मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए कृषि मेला का भ्रमण किया और किसानों को कृषि मेला से मिलने वाले लाभ और सुविधा की जानकारी दी। अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार, जिला उपाध्यक्ष राम विनोद यादव, वैद्यनाथ यादव, प्रवीण यादव शामिल थे। भ्रमण के बाद कृषि मेला पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि कृषि मेला से किसानों के बदलते अवसरों और व्यापारियों को भी फायदा होगा।
कृषि यंत्रों के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता का बिल्कुल अभाव रहा है। कृषि यंत्रों के कृषि मेला में निर्धारित मूल्य कुल मिलाकर बाजार मूल्य में अनुदान राशि को जोड़कर बेचा जा रहा। इसमें किसानों को कृषि यंत्र मेला में लेने से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता के सवाल पर कृषि मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। गुना ज्यादा दाम का यहाँ अनुदान के नाम पर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये जो यंत्र है, यंत्रों में जो किसानों को मुनाफा मिलना चाहिए था, अनुदान कुल मिलाकर के अफसरशाही और व्यापारियों के बीच में बंदरवाद का अनुदान हो गया है। किसानों को इस अनुदान का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो भी मशीन यहाँ खरीदे जा रहे हैं उसका मूल्य जो मार्केट से अनुदान राशि जोड़ करके यहाँ बेची जा रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन चल रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्लस टू जिला हाई स्कूल में पदाधिकारियों और कर्मियों को ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण दिए गए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। दो शिफ्ट में प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कनेक्शन करेंगे, किस तरह से इस मशीन को ऑपरेट करेंगे और कैसे मॉक पोल किया जाएगा। प्रेजाइडिंग है 1200 है, उनका सबका अलग अलग है। इसमें शांतिपूर्वक कंडक्ट कराएंगे, वही होगा और क्या। जब पूरा इलेक्शन है वो ईवीएम से ही है, बैलेट पेपर से नहीं है। और उनको हैंडलिंग करना सिखाएंगे, कैसे ऑन करेंगे, कैसे ऑफ करेंगे, कैसे सीलिंग करेंगे, कैसे उसको आप बाद में जो लास्ट में बटन बंद करेंगे, ये सब ट्रेनिंग कॉल भी है। मिनिमम करेंगे 50 के आसपास होता है, सब डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएगा तो मॉक पोल से हटा देंगे। टीचर से भी दूसरे ब्रांच से भी लोग हैं जी, और आप देख रहे हैं बहुत अच्छे वातावरण में चल रहे हैं, ये कल खत्म हो जाएगा। पथ निर्माण विभाग द्वारा अभियंता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार, कार्यपालक अभियंता वीरेंद्र कुमार, अभियंता राणा ब्रजेश द्वारा अभियंता शिरोमणि मोक्ष मुंडम विश्वसरैया जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। लेकिन वैसा कुछ यहाँ नहीं होता है, बिहार में खासकर नहीं होता है। यहाँ तो उनका जो प्रशासनिक ऑफिसर होते हैं वो उनको मालूम है कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे है, तो उस दिन आप मीटिंग बुला करके आपको उसमें इन्वॉल्व रखते हैं कि आप आपके भावना का उनको कोई ख्याल नहीं है। मतलब जैसा जो अभी डेट दिख रहा है उसके हिसाब से सरकार को चाहिए। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर के 47वां स्थापना दिवस के अवसर पर महाविद्यालय में दान दाताओं की मूर्तियों के अनावरण के साथ स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर पोषण के प्रति जन जागरूकता फैलाने हेतु प्रभात फेरी निकाली गई। बाहर से आए आगंतुकों द्वारा रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन राजीव रौशन जिला अधिकारी विश्वनाथ प्रसाद सिंह, डॉक्टर AKS आर, डॉक्टर RK प्रसाद, डॉक्टर देवव्रत नारायण सिंह एवं प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। जिला के लिए गर्व की बात है कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी हुई यह संस्था आज 47 वर्ष पूरा कर रही है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इन 47 वर्षों में इस संस्था ने काफी उतार और चढ़ाव देखा है, फिर भी ये हर्ष की बात है जिस प्रकार से मुझे बताया। अखिल भारतीय किसान महासभा का बहादुरपुर प्रखंड के मनियारी स्कूल के परिसर में आयोजित हुआ। प्रखंड सम्मेलन की अध्यक्षता पवन यादव, नथुन यादव, मोहम्मद शोएब, संजय यादव, गोविंद यादव की 5 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए किसान महासभा के जिला सचिव धर्मेश यादव ने कहा कि किसान महासभा के राष्ट्रीय सम्मेलन से देश में किसान आंदोलन को लेकर विस्तृत रूपरेखा बनेगा और किसान विरोधी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लिया। सम्मेलन में जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार, केसरी यादव, कोमलकांत यादव ने भी संबोधित किया। सम्मेलन से 13 सदस्य प्रखंड परिषद का चुनाव हुआ, जिसके अध्यक्ष कोमलकांत यादव और प्रखंड सचिव नथुनी यादव चुने गए।